नमस्कार दोस्तों, आज हम पॉट की कलर करके कलरफुल पॉट देखिए। मेरे पास चार मटका था जिसको मैंने अच्छा काट दिया है ऊपर से। काटने के बाद इसमें मैंने रजनीगंधा का जो बल्ब है रजनीगंधा के उसको लगा दिया है। इसमें अभी सूख गया था पूरा फ्लावर, अभी अच्छा खिला था उसके बाद सूख गया था। तो इसको कलरफुल पॉट कैसे बनाए ये चारों को, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ सुझाव मुझे मिला है, इसके जो स्टैंड है उसको अलग कलर करें। और ये देखिए, इसमें ये मटकी को काटा था, ये स्टैंड बन गया है। और इस तरह से इसको रखेंगे और ये थोड़ा कलर करना है, डिजाइन करना है, तो आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से पुराने चीज़ों को भी सुंदर बनाया जा सकता है। मैंने कुछ हमारे मित्र हैं जिनसे सलाह लिया है और उन्होंने सलाह दिया है, मैं कोशिश करूंगा उस तरह से बनाने के लिए। तो देखिए मेरे पास ये कलर रखा हुआ है, ये रेड है, येलो कलर है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है और ये वाइट कलर है। तो मैं पहले वाइट से कर लूंगा इसको ताकि इसके कलर जो है बहुत अच्छे से आए। और इसको डाइल्यूट करने के लिए आप केरोसिन या कुछ ले सकते हैं, थिनर वगैरह। तो ये पहले इसमें एक खुरदुरा टाइप का है, तो उसको मेरे पास ये पेपर है, इससे थोड़ा सा अच्छे से साफ कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये इसमें फिनिशिंग अच्छी आएगी सारे पॉट को अच्छे से थोड़ा साफ करके। कलर कर रहा हूँ मैं, पहले सारे को साफ कर लेता हूँ, फिर एक एक करके कलर करेंगे और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। देखिए ये मटका जो है यहाँ से टूट गया था, तो मैंने ये रस्सी से बांध दिया है। ये टूटा हुआ यूजलेस पड़ा था, तो मैंने उसको सोचा कि इसके कुछ किया जाए, प्लांटर वगैरह बना जाए। मुझे ये तीन मटके मिले थे और दो में तो लगा हुआ था मेरे पास। तो ये देखिए टूटा है, मैंने यहाँ फेविकोल लगा दिया है और अंदर से थोड़ा सा सीमेंट और लगा दूंगा तो ये मजबूत हो जाएगा। देखिए ये वाला तो पूरा टूट गया था, तो इसमें भी मैंने थोड़ा सा जोड़ा है इसको और यहाँ पे कुछ कपड़े लगा के सीमेंट लगा के इसको भी बना दूंगा। इसको ये थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे बनाने में, बाकी ये दोनों सही है, टूटा हुआ नहीं था। लेकिन इसमें मेरे रजनीगंधा का प्लांट लगा था, दो तीन मटका मुझे और मिल गया था ऐसे ही पड़ा हुआ टूटा हुआ जिसको मैं यूज़ किया। मैंने इसको कोशिश किया इसको सीमेंट ये फेविकोल लगा के जोड़ने की, तो मैं इसमें ये सारे रेगमल पेपर से अच्छे से घिस दिया है। अब इसको कलर कर देते हैं। ये ऊपर जो स्टैंड बनेगा इसका, उसको हम अलग कलर करेंगे। तो पहले तो वाइट कलर कर लेते हैं, मेरे पास वाइट कलर रखा है। इससे वाइट कलर करने से क्या होगा कि इसकी जो बाद में हम कलर करेंगे उसमें चमक ज़्यादा आती है, अच्छे कलर आता है। आपको दो या तीन बार कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, इसके बाद एक ही बार कर देंगे तो वो सफिशियंट होगा। देखिए मेरे पास दो ब्रश है, तो ये चूँकि छोटा है इसके लिए मैं छोटे ब्रश का यूज़ करूँगा और इसमें के लिए ये बड़े वाले ब्रश का यूज़ करूँगा। तो चलिए मैं इसको सारे को वाइट कलर से, पहले मैं वाइट कलर से सारे को कलर कर देता हूँ, फिर अलग अलग कलर करूँगा, फिर कुछ डिजाइन बनाने की कोशिश करूँगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए मैं इसको सारे को कलर कर लेता हूँ। ये देखिए ये पहले वाइट से फर्स्ट कोट कर दिया है सब में। ये देखिए ये जो स्टैंड है इसमें भी कर दिया है। देखिए मित्रों, एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। जो पुराने लोग हैं, जो पेंटर है, वो तो जानते हैं, लेकिन नए लोग जो नए नए पेंट करेंगे उनको नहीं पता। जब हम कोई कलर खरीद के लाते हैं तो बहुत गाढ़ा होता है और ज़्यादा गाढ़ा में ब्रश अच्छे से नहीं चलता, और जब अच्छे से ब्रश नहीं चलेगा तब वो फिनिशिंग अच्छे से नहीं आती। ये देखिए ये जो जैसे मैंने ये कलर लिया और इसको जब इसमें करूँगा तो ये चिपकना नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए चिपक रहा है तो इसमें रेशे आएगी और फिनिशिंग नहीं आएगा। ये चलना चाहिए स्मूथ, तो स्मूथ के लिए क्या करना चाहिए, जितना स्मूथ होगा उतना ही कलर बढ़िया आएगा और उतना ही शाइनिंग आएगी कलर में, और इसलिए चिपकना नहीं चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा डाइल्यूट कर लीजिए। जैसे मैंने ये रखा है, इससे थोड़ा सा डाल देता हूँ, हल्का सा डाइल्यूट हो जाता है। इससे आप कर सकते हैं थोड़ा सा, जैसे डाइल्यूट हो जाएगा ये बहुत स्मूथ चलता है। इसमें जब स्मूथ चलेगा तो फिनिशिंग जो है अच्छी आती है। और अगर ये थोड़ा सा चिपक के चलता है, गाढ़ा रहता है पेंट और चिपक के चलता है, तो उसमें रेशा आ जाता है। स्मूथ चलना चाहिए इसमें,
तो जितना स्मूथ चलेगा उतना ही आपके जो ये फिनिशिंग है वो बढ़िया आता है। तो अभी तो मैंने ये वाइट कलर का कर दिया है, अब इसको सूखने देना पड़ेगा मुझे। ये सूखने के बाद मैं उस पर दूसरा कलर करूँगा, और दूसरे कलर जब सूख जाएगी तब मैं तीसरे में उस कुछ डिजाइन वगैरह जो मेरे को जितना मेरे इसमें है जितना कर सकता हूँ तो कुछ देखूँगा, कुछ ऑनलाइन सर्च करके डिजाइन, उसमें जो भी डिजाइन मुझे अच्छा लगेगा वो करूँगा मैं इसमें। और फिर जब पूरी तरह से हो जाता है फिर आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे देखिए ये थोड़ा थोड़ा कहीं पे ऐसे लगता है कि यहाँ लगा नहीं है, तो उसको थोड़ा डाइल्यूट करके उसको थोड़ा सा घिस दीजिएगा तो अच्छा स्मूथ फिनिशिंग भी आ जाएगी, अच्छा दिखेगा भी। तो ये यहाँ तक के मैं आता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट जो ये है ये मैं कल आधा इसमें करूँगा, जो नेक्स्ट कलर करूँगा वो करूँगा, और उसके बाद जब सूख जाएगी फिर मैं आपसे फाइनल शेयर करूँगा इसमें। अब ये मैंने ये लगा के रखा है, बल्ब लगा के रखा है रजनीगंधा के, अब मैं इसको निकाल के कुछ फ्लावर इसमें लगाऊंगा, ये फ्लावर के लिए अच्छा लगेगा। रजनीगंधा कब तक होगी और बहुत बड़ी जाती है, ऊँची लंबी जाती है तो पॉट की सुंदरता नहीं रहेगा, जिसमें छोटे कुछ लगाना पड़ेगा जिसमें फ्लावर वगैरह आता हो, जैसे ये है इस टाइप के कुछ लगा देंगे तो सुंदरता अच्छी आएगी। ये देखिए ये वाले इस तरफ के इस तरह से लगा देंगे तो बहुत ही सुंदर दिखेगा गमले में। तो चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट डे। फ्रेंड ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, इसमें मैंने वाइट कलर कर दिया है सब में, और ये देखिए स्टैंड है नीचे इसके, इसके ऊपर का जो कटा हुआ था आपको दिखा देता हूँ, ये कटा हुआ इसमें भी वाइट कलर कर दिया है। अब इसमें कलर करूँगा, क्योंकि माधुरी मैडम ने थोड़ा सलाह दिया है कि जो स्टैंड है उसको अलग कलर करे और ऊपर का अलग कलर करे। एक मन्नू मैडम ने भी सलाह दिया है कि आप सभी को एक ही कलर करे, तो मैं देखता हूँ इसमें उनकी सलाह लेते हुए कुछ इसमें कलर कर देता हूँ। मेरे पास बहुत सारे कलर रखे, 4-5 कलर रखे हैं। फ्रेंड ये मेरे पास ये कलर है, रेड है, ग्रीन है, येलो है, ये ब्लू है, और ये वाइट जिससे मैंने किया था। तो आप बताइए जल्दी से, कमेंट करके बता दीजिए तो मैं उस कलर का कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड कभी भी आप कलर करें थोड़ा सा रुई ज़रूर रख लीजिए साथ में, क्योंकि हाथ पैर में लगता रहता है और कहीं गिरता है तो आप उसको तुरंत साफ कर सकते हैं। ये मैंने थिनर लेके रखा है इसमें, और मेरे पास दूसरा भी है। आप पेट्रोल का भी यूज़ कर सकते हैं, केरोसिन तेल यूज़ कर सकते हैं, जो अभी तारपीन के तेल से नाम से है, तारपीन या थिनर वगैरह, उससे भी साफ कर सकते हैं। बहुत गिरता है इसमें जब पेंट करते। मैं ये दूसरा या तीसरे बार कर रहा हूँ, कुछ पहले पॉट बनाया था उसमें कुछ किया था। फ्रेंड एक चीज और शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे फ्रेंड जो है पुराने रहते हैं, जो साथ में आपके वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, आप भी करते हैं, चाहे वो 1000 के नीचे हो या 1000 से ऊपर वाला सब्सक्राइबर हो, वो बीच में ऐसे गायब हो जाते हैं। उनकी वीडियो तो दिखता है लेकिन वो फिर आपके कमेंट नहीं करते, पता नहीं ऐसे क्यों होता है। क्या उनको आपके कमेंट की जरूरत नहीं होता है, या लाइक की, या उनसे कोई सलाह की जरूरत नहीं होता है, या तो फिर वो दूसरे उनके वीडियो देख के उनके कमेंट करने लगते है। मैं तो जितने भी मेरे फ्रेंड है जो लगातार मेरे से जुड़े हुए है, मैं उनके हर वीडियो को देखता हूँ। हाँ ये जरूर है कि मैं सारे लोगों के पूरे फुल वीडियो नहीं देख सकता, जहाँ मुझे लगता है या कुछ सीखने लायक है या कुछ उनको सलाह देना है या उनसे कुछ करना है तो उनकी आवाज करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि सभी के कुछ न कुछ कमेंट्स करूँ, जवाब दूँ, तो ये क्यों होता है समझ में नहीं आता। और एक बात और लाइव के बारे में भी आपसे शेयर करूँगा कि हम लाइव कैसे आ सकते, वो मैंने आज ही सर्च किया, मुझे एक मैडम से ये हुआ था मैसेज पे बात कि वो कम में भी कर सकते हैं। मैं पहली बार लाइव आया था अभी कुछ दिन पहले, तो उसको आज सर्च करके मैंने काफी कुछ देखा तो मैं वो भी शेयर करूंगा। देखिए फ्रेंड ये एक मटकी और है, ये ऊपर का, ये टूट तो गया था, टूटा हुआ ही मिला था मुझे, तो मैंने ये फेविकोल से जोड़ तो दिया है लेकिन ये गैप रह गया तो उसको मुझे बनाना है। आप बता सकते हैं कि इसको बना सकते हैं कि नहीं? मैं सोच रहा हूँ इसमें कपड़ा डाल के फिर सीमेंट लगा के इसको बराबर कर लूँ। ये 3 में तो स्टैंड है, एक में मैंने कुछ और लगा के रखा है इसमें, तो मैं सोच रहा हूँ उसको भी बनाऊंगा। तो अभी तो कलर कर लूँ, ये तो बाद में भी कर सकता हूँ मैं, इसमें आज रात को सीमेंट लगा के रख दूंगा ताकि कल सुबह सही हो जाए, और फिर इसमें भी कलर करूँगा। आप बता सकते तो बताइएगा इसमें कमेंट करके कि क्या करें कि उसको सुधार सके। मैं तो बहुत से गमले जो टूट जाते हैं उसको सही कर लेता हूँ, गमले या
कुछ जो भी सीमेंट का हो, मिट्टी का हो, उसको सही कर लेता हूँ। तो चलिए एक एक करके शुरू कर देते हैं। आप लोग मुझे कुछ सलाह दे नहीं रहे हैं तो मैं एक स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए मैंने थोड़ा कपड़ा बिछा दिया, नहीं तो बहुत ये हो जाता है। इसको मैं एक को तो येलो कलर से कर देता हूँ, येलो कलर भी अच्छा लगता है। हाँ, मैं आपसे एक बात शेयर कर रहा था लाइव के बारे में। तो लाइव जो है वो 0 सब्सक्राइबर भी रहे तब भी आप कर सकते हैं। उसमें जैसे हम अपना ये डालते हैं, वीडियो डालते हैं, जब भी हम अपने चैनल पे वीडियो डालते हैं ना, हम अपने चैनल पे जाते हैं और उसमें वीडियो डालते हैं, प्लस की निशान में टच करते हैं, और प्लस के निशान में टच करके उसमें रहता है कि गो लाइव या शॉर्ट या लॉन्ग वीडियो, इस तरफ से रहता है। लेकिन जब 1000 पूरा हो जाता है तो उसकी कुछ अलग चेंज हो जाता है, वो कैमरा के साथ आने लगता है 1000 होने के बाद। नहीं तो उससे पहले कैमरा के साथ नहीं आता है, सिंपली ऊपर टेक्स्ट मैसेज में रहता है, शॉर्ट डाल रहे या लॉन्ग वीडियो डाल रहे, इस तरह से आता है। और 1000 होने के बाद वो कैमरा के साथ आता है। तो आप 1000 नहीं भी हो तब भी आप लाइव आ सकते हैं। उसके लिए आपको उसमें जाना पड़ता है, आपके गो लाइव में जाना पड़ता है। गो लाइव में जाने के बाद उसमें कुछ आपसे पूछता है, उसमें पहले तो टाइटल आ जाता है, वो टाइटल वो अपने आप दे देता है। जैसे आपकी कोई गार्डनिंग संबंधित है तो वो गार्डनिंग से संबंधित वो जो भी आप ये करते हैं, जैसे मेरा है टेरेस गार्डन, तो उसमें आ जाता है टाइटल मेरे नाम के साथ, वो टेरेस गार्डन। या किसी का किचन है तो वो उसके साथ किचन गार्डन के साथ आ जाएगा वो। तो आप टाइटल वही रखना चाहे, वो अच्छा टाइटल दे देता है, यूट्यूब अपने आप दे देता है, तो वो अच्छा लगता है वो टाइटल। आप उसमें अगर सुधार करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो वो उस टाइटल को भी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके बाद आपके टाइटल अगर उसमें करना चाहे तो कर दीजिए, चेंज करना चाहे तो कर दीजिए, नहीं करना चाहे उसमें आगे कुछ पूछा जाता है, उसमें कुछ विजिबिलिटी दिखता है जिसे आपको अनलिस्टेड करना है या पब्लिक करना है। तो आप जब लोगों से जुड़ते हैं तो उसमें पब्लिक रहने देना चाहिए। जैसे हम अपने वीडियो जब अपलोड करते हैं उसमें भी आता है कि पब्लिक सिलेक्ट करते हैं। और इसमें ये भी कर सकते हैं, इसमें टाइम शेड्यूल भी दे सकते हैं कि इस ये जो वीडियो है ये किस समय से किस समय तक आप अपलोड करना चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। इसमें आगे आता है जैसे मेड फॉर किड और नॉट मेड फॉर किड, जैसे हम अपने वीडियो डालते हैं उसमें भी आता है, सेम वैसे ही इसमें भी लाइव में भी आता है। तो आप नॉट मेड फॉर किड में सिलेक्ट करेंगे तो ये उसमें चलता रहेगा। नेक्स्ट में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन आता है, जो कुछ चैनल बनाते टाइम हम अपने बारे में डालते हैं वो आता है, उसमें आप वैसे ही रहने दें या चाहे तो उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें लोकेशन आता है, इसमें आप लोकेशन को ऑफ रख सकते हैं या ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्क्रीन कास्ट में आप स्क्रीन को लोगों को दिखा सकते हैं, वीडियो को दिखाना चाहे तो स्क्रीन कास्ट में जाके उसको सिलेक्ट करना पड़ता है। साथ ही टाइम शेड्यूल भी उसमें सेटअप कर सकते हैं। और हम वीडियो डालने के साथ साथ हम इस वीडियो को किस डेट में दिखाना चाहे ये भी कर सकते हैं। आप अपने साथ जो जो लोग जुड़े हैं उनके साथ आप स्क्रीन पे ही चैट कर सकते हैं, स्क्रीन को दिखाते हुए चैट कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन भी आता है कि आप अपने चैनल में जब लाइव आते हैं तो वह जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसको आप आने देना चाहे या इसको आप ऑफ करना चाहे तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद आता है थंबनेल, उसमें आप अपना जो थंबनेल है जो पहले से डाल के रखे उसको भी कर सकते हैं, या कैमरे में फ़ोटो लेके तुरंत एक फ़ोटो सेल्फी लेके उसको भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपके थंबनेल बन जाएगा, उससे आप लाइव आ सकते। अब आप स्टार्ट पे क्लिक करके लाइव आ सकते हैं, लाइव चैट स्टार्ट हो जाता है। इसमें हम अपना माइक बंद या चालू रख सकते हैं। आप माइक चालू रखेंगे तो आप जो भी बोलेंगे वो सामने वाले को सुनाई देगा, और वो जो भी मैसेज करेंगे उसको देख के आप उसके मुंह से बोल के भी जवाब दे सकते हैं या मैसेज चैट से भी जवाब दे सकते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर आपको ये दिख जाता है कि आपके साथ कितने लोग लाइव चैट में जुड़े हुए हैं, और उसकी जो टाइमिंग है वो भी साथ साथ चलता रहता है। नेक्स्ट में स्क्रीन कॉस्ट, इसका भी एक ऑप्शन आता है,
इसको आप चालू रख या बंद कर सकते और शेड्यूल फॉर लेटर इसको भी ऑन कर दे सकते हैं। इसको ऑन करने के बाद आपको जो सब्सक्राइब वाला जो सेटिंग है, लाइव से जो सब्सक्राइबर आएगा वो आपको लाइव में ही सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक ऑप्शन आता है कि आपके चैनल मोनेटाइज है या नहीं है, अगर है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते। हाँ, आप कभी ना कभी अपने मोबाइल पर जाके क्रोम ब्राउज़र पर जाके अपना चैनल चालू करके उसमें कुछ सेटिंग्स है, उस सेटिंग्स को 10 करीब सेटिंग ऐसे है जिसको सभी को चालू रखना चाहिए, तो आप लोग उस सेटिंग को बिल्कुल जाके चालू कीजिए। कुछ सेटिंग है, कुछ एडवांस सेटिंग है उसमें, जैसे रीजन है आपके इंडियन रुपीज़ है, डॉलर, उसमें बारे में पूछा जाता है, सब्सक्राइब वगैरह दिखता है, तो आप उनमें जाके बिल्कुल अपना बीच बीच में सेटिंग को उसको देखिएगा, उसको सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर बढ़ता है वैसे वैसे आपको बहुत से फैसिलिटी आपको यूट्यूब देता है, तो आप बीच बीच में क्रोम ब्राउज़र पे आप अपना चैनल को खोल के उसमें सेटिंग चेंज करते रहिएगा, तो उससे आपके जो चैनल है वो ग्रो करने में मदद मिलता है। सारे जानकारी उसमें देना पड़ता है, और आप लोगों ने अगर फ़ोन वेरीफाई नहीं किया हो तो उसमें जाके आप फ़ोन वेरीफाई बिल्कुल कर दीजिएगा, इससे भी आपको बहुत सारे सुविधाएँ यूट्यूब देता है। साथ ही आप अपने एक आईडी, जो भी गवर्नमेंट आईडी है जैसे आधार कार्ड हुआ या पैन कार्ड हुआ, उसको भी स्कैन करके उसकी फ़ोटो लेके उसमें डाल सकते हैं, तो उससे आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है, तो इसमें यूट्यूब जो है कुछ फैसिलिटी आपके साथ शेयर करता है, वो आपको सुविधा देता है, तो इस तरह से आप ज़रूर कर लीजिएगा। जब भी करना चाहे तो सेटिंग में जाके बिल्कुल ये सब चीज़ें कर लीजिएगा। लाइव चैट आने से ये एक फ़ायदा है, इसमें आपके व्यूवर्स बढ़ जाता है, और अगर लोग वहाँ पे जो आपसे जुड़े रहते हैं वो सब्सक्राइब करना चाहे तो वहाँ तुरंत उसको आपको सब्सक्राइब भी कर सकता है, तो आपके वॉच टाइम और सब्सक्राइबर दोनों बढ़ता है। तो आप लोग भी बीच बीच में लाइव चैट करते रहिएगा, आप अपने यूट्यूब के प्लस आइकन में जाके, गो लाइव में जाके, जैसे जैसे वो यूट्यूब पूछता जाता है उसको आप फिलअप करते जाइएगा, जैसे जैसे देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या क्या करना है, उसको आप फिलअप कर देंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, तो आप उसमें चैट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। आप लोगों को भी सुविधा के लिए ज़रूरी है कि आप लोग भी लाइव आए। मैं पहली बार ही आया था, कुछ उसके बाद कुछ सीखा मैंने, कुछ सर्च किया, और सीखने के बाद मैं अब नेक्स्ट बार करूँगा और वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप लोग भी उसमें लाइव बीच बीच में आते रहिए, और एक आध बार सेटिंग में जरूर देखिए। मैंने कलर कर दिया है, चार कलर अलग अलग किया है, इसमें भी चार अलग अलग बना दिया है। अब इसके नीचे ये स्टैंड इसके नीचे लगूँगा, वो सेम कलर नहीं रखूँगा, थोड़ा अलग कलर, दोनों अलग कलर रहेगा, येलो रेड या ब्लू येलो, इस तरह से करके अलग। ये देखिए ये एक कलर मेरा ख़राब हो गया, ये रेड वाला, इसमें मैंने डाइल्यूट करने के लिए इसमें दूसरे वो मिलाया था थिनर, तो उससे ख़राब हो गया, इसलिए वो ज़्यादा शाइनिंग नहीं आया उसमें रेड में। बाकी ये तो हो गया है, अब ये कल सूख जाए। आज ये इसमें कलर कर दिए सारे में, कल सूखने के बाद इसमें या तो कुछ फ्लावर पॉट लगा के फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। क्या ये ऐसे ही रहने दूँ कि इसमें कुछ और बना दूँ, उसमें कुछ डिज़ाइन बना दूँ? मन्नू मैडम बोल रही थी इसमें कुछ डिज़ाइन बना दे हल्के हल्के, तो ये सूखने के बाद ही होगा, अभी तो संभव नहीं है। और ये ब्रश धो धो के मैं थक गया, चार कलर करने के लिए चार बार धोना पड़ा इसको, सबसे ज़्यादा तो इसी में टाइम लग गया धोने में। तो चलिए कल इसमें कुछ डिज़ाइन बना के फ्लावर लगा के फिर फाइनली आप लोगों के साथ मिलता हूँ। ये फाइनली फ्रेंड ये कलर कर दिया मैंने, नीचे का थोड़ा अलग उसका चेंज कर करके कर दिया, नीचे का अलग कर दिया, ऊपर का अलग कर दिया, ये तीनों में कर दिया, चारों में। अब इसमें क्या करूँ, अगर आप कोई सुझाव दे सकते हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा कुछ बना दूँ, टाइम तो बहुत लगता है इसमें बनाने में, फिर भी कोशिश करूँगा कि थोड़ा अच्छा बन जाए इसमें। क्या कौन से कलर करूं, उसमें क्या बनाऊं, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर भी ये जो भी है पॉट
इसमें छोटे छोटे फूल वाले पौधे लगाने के लिए बहुत अच्छा बना है। तो हमने जो फालतू पड़ा हुआ था पॉट उसका यूज़ तो कर लिए, थोड़ा कलरफुल बना लिए है, इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा और कलर कुछ डिज़ाइन अगर बनता है तो बना देता हूँ और फिर आपके साथ शेयर करूँगा। ये फाइनली मैंने कलर कर दिया है। मैं कोई पेंटर तो हूँ नहीं, फिर भी कोशिश किया है थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन बनाने के लिए, तो इस तरह से बना दिया है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है या कौन सा कलर और करना था, क्या करना था मुझे। तो ये है आज का वीडियो मेरा। आप भी अपने घर पे कोई भी मटका टूटा फूटा पड़ा हो या कहीं आपको मिल जाता है, मुझे तो दो मटका ऐसे ही मिल गया था, तो मैंने उसको लाके उसको अच्छा इसको काट दिया मैंने कटर से, दो पीस बना के इसमें नीचे स्टैंड बना दिया और ऊपर का ये इसमें करके रख दिया है। कुछ सलाह आप लोगों ने दिए थे उसके आधार पे मैंने इसको अच्छे से कोशिश किया बनाने के लिए, और आप भी बना सकते हैं, जो वेस्टेज सामान है उसकी यूज़ कर सकते हैं। और आपसे एक और विनती है कि आप अपना रोज़ वीडियो डालते रहिएगा, और वीडियो जब भी आप डालें कोशिश की जाएगी कि प्रतिदिन एक वीडियो डालें, रोज़ एक वीडियो डालें, इससे आपके चैनल अच्छा ग्रो होगी, आपके व्यूज अच्छा आएगा। साथ में ही आप क्या करना कि एक शॉर्ट वीडियो भी डालना रोज़, अगर नहीं डाल पाते लॉन्ग वीडियो तो शॉर्ट वीडियो ज़रूर डालिएगा, और आपके कम्युनिटी पे जाके भी एक कुछ भी आप डाल सकते हैं, कम्युनिटी पे भी डालना चाहिए, शॉर्ट लॉन्ग कम्युनिटी तीनों चीज़ में आप एक एक वीडियो डालेंगे तो आपकी जो चैनल है वो अच्छा ग्रो होगी और आपके सब्सक्राइबर बढ़ेगा, व्यूअर्स बढ़ेगा। तो ये कंटिन्यू करते रहिए जब तक आप कर सकते हैं, आपके चैनल जल्दी ही ग्रो करेगा, मोनेटाइज हो जाएगा, इतना तो मैं आशा करता हूँ। तो धन्यवाद आज का यहाँ तक के वीडियो साथ देने के लिए।